फ़खरी टीवी की जानिब से देखने वाले तमाम सामाईन को फ़खरी टीवी का सलाम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दो मशहूर ज़माना यूट्यूबर्स के बारे में, जिसमें एक का ताल्लुक़ हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से है और दूसरा पाकिस्तान से। पहले बात करेंगे हम इंडिया के यूट्यूबर्स मनोज डे के बारे में। ये मनोज डे आज से कबल 5 साल पहले इंडिया के छोटे से शहर से अपनी यूट्यूब पर जर्नी स्टार्ट करता है। हालांकि आम साथ दिखने वाला ये इंसान को क्या पता था कि एक दिन इसका भी एक वक्त आएगा, और फिर ऐसा ही हुआ। कुछ वीडियो वायरल जाने के बाद इसके चैनल पर हर तरफ से ट्रैफिक आना शुरू हुई, और फिर कबल 5 साल की मेहनत से ही इसके यूट्यूब पर 5 मिलियन के नज़दीक सब्सक्राइबर हो गए। ये करोड़ों अरबों में खेलने लगा। आज ये इंडिया का एक मशहूर यूट्यूबर बन चुका है। ये काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ अपना इंटरव्यू कर चुका है। हालांकि एक मशहूर ज़माना यूट्यूबर्स मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी ने भी इसे अपने सेट पर मधु किया और इसके बारे में दुनिया को बताया कि ये कैसे यूट्यूब पर जर्नी स्टार्ट कर एक आज बहुत ही मशहूर ज़माना यूट्यूबर्स बन चुका है। आइए आप इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये महीने का कितना अर्न कर रहा है। ये यूट्यूब से पर मंथ का 20 से 25 लाख रुपया अर्न कर रहा है। और दूसरी तरफ हैं पाकिस्तान के जाने माने यूट्यूबर्स काशिफ मजीद। ये भी आज से कबल 4 साल पहले अपना यूट्यूब पर सफ़र शुरू करते हैं और अपनी काफ़ी मेहनत के बाद ये वायरल होना शुरू हो जाते हैं। इसका चैनल भी टेक के मुताबिक है, जो लोगों को इंटरनेट पर पैसा कमाने के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। के चैनल पर बहुत सारे पेड कोर्सेस हैं जो स्टूडेंट को सिखाते हैं। आज ये काशिफ मजीद यूट्यूब पर काफ़ी हिट हो चुके हैं। इनके भी सब्सक्राइबर 1.5 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। आज ये भी महीने का यूट्यूब से 12 से 15 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये भी पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर यूट्यूबर्स बन चुके हैं। इनका भी पाकिस्तान में अपना चैनल काफ़ी हिट हो चुका है और ये लोगों को अपने चैनल से ही तालीम दे रहे हैं कि नेट से कैसे कमाई कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोज़ बरोज़ आती रहती हैं। आप सबका शुक्रिया।